लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही समय बचा है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं में भगदड़ उसी तरह जारी है। हर दो दिन में कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जहां अब सतना सांसद गणेश सिंह के संसदीय क्षेत्र से दर्जनों नेताओं ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष भाजपा की सदस्यता ली है। सतना में ज्वाइन करने के साथ भोपाल पहुंचे नेताओं में सतना से पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष सुधीर सिंह तोमर, पूर्व महापौर पुष्कर सिंह तोमर, रविंद्र सिंह सेठी, रमाकांत शुक्ला, यातेंद्र सिंह, संजय सिंह जिला पंचायत सदस्य सतना, देवदत्त सोनी जिला पंचायत सदस्य मैहर, फूल सिंह टेकाम, पूर्व डीएसपी नगेंद्र सिंह लल्लू, पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मेहर मौलाई राम चौधरी, पूर्व मंडी अध्यक्ष मेहर एवं पूर्व सांसद देवराज सिंह ने सीएम मोहन यादव के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। नता है कि भाजपा का परिवार बढ़ रहा है और जिस प्रकार से आज भी ज्वाइनिंग हुई, कौन सी पार्टी बची है जिसमें कोई कार्यकर्ता रहना चाहते हैं, सभी भाजपा में आना चाहते हैं। मैं भाजपा में आने वाले सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का सबका स्वागत करता हूँ और हमने आश्वस्त किया है कि भाजपा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार भी बनाने जा रही है और हमारी सरकार सभी लोगों का सम्मान का ध्यान रखेगी, उनके सुझाव पे काम करेगी और जनता की सेवा को लेकर के सरकार जिस ढंग से अभियान में चल रही है, मैं निश्चित रूप से सबको लेकर के मध्य प्रदेश की युवा शक्ति का, गरीब लोगों का, किसानों का, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए प्रदेश को नंबर वन राज्य बनाना, तो सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास सबका विश्वास, इस मूल मंत्र पे हम सब साथ चलेंगे। देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश में उनकी गारंटी है, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का संकल्प, उसी से प्रेरित होकर सारे कांग्रेस एक जन सैलाब हमारी भारतीय जनता पार्टी में 500 नीचे तो करो, मुंह तो देखो, लोग इसमें शामिल हुए थे। कांग्रेस मुक्त होता मध्य प्रदेश है, माया कहाँ चलती इनकी भाई? केंद्रीय मंत्री, पूर्व के मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, महापौर, महाधिवक्ता, आईजी, डीआईजी, सब तरफ मोदी में हो गया, राम में हो गया वातावरण। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव और राहुल गांधी की यात्रा जहाँ जहाँ से जाती है वहाँ भगदड़ मच जाती है। मैंने तो कहा राहुल गांधी जी से कि भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में, कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में।